लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व वाली वाराणसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृहनगर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इसके अलावा यूपी की सीटों पर और कौन कौन प्रत्याशी हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। सातवें चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 134 पुरुष और 10 महिलाओं सहित कुल 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें सामान्य श्रेणी की है, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस चरण की 13 लोकसभा सीटों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बासगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। मालूम हो कि चुनाव के इस चरण में देश दुनिया की निगाह वाराणसी की सीट पर होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वाराणसी को भाजपा का गढ़ माना जाता है और इस बार उनका मुकाबला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और बसपा के अतहर जमाल लारी से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृहनगर गोरखपुर की बात करें तो यहां भोजपुरी फिल्मों की 2 हस्तियों के बीच मुकाबला है। मौजूदा भाजपा सांसद रविंद्र किशन शुक्ला और फिर रवि किशन का मुकाबला इंडिया समूह की काजल निषाद से है। मिर्जापुर सीट से अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की टक्कर समाजवादी पार्टी के राजेंद्र एस बिंद और बहुजन समाज पार्टी के मनीष त्रिपाठी से है। वहीं गाजीपुर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय का मुकाबला माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से है, जो सपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। इसके अलावा महाराजगंज में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी चुनौती दे रही है। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को सपा के सनातन पांडे और बसपा के ललन सिंह यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है।